बर्थडे सेलिब्रेट तो हो रहा है लेकिन मेरा गिफ्ट देना भी तो बाकी है। चलो फिर दे हम मामा को गिफ्ट। कि उनको है ना कुछ सब्जी वगैरह लेनी है इसलिए हम आए बाजार में। वैसे है ना ये बाजार जो होता है ना वीक में से एक ही बार होता है ना। हर गुरुवार को होता है इसीलिए यहाँ पे आना जरूरी है। चलो फिर ये ले, स्कार्फ बांध ले। यार नहीं मामा मैं नहीं ले रही। यहाँ पे है ना, नहीं 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 मैं मास्क लाना भूल गई यार। देखो मैं कितना मैं स्टाइलिश आई हूँ सब्जी लेने के लिए। मेरा बैग भी मैच हो रहा है देखो। चलो देखा सुन रहे हो, इसी को बोलते हैं बाजार। मम्मी आपको जो जो लेना है फटाफट लो, मुझे घर पे जाके और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। ले रही हूँ। मम्मी ये ठीक है क्या? नहीं ये वो भी नहीं, काले डाक वाले। अरे तो लेना कौन सा है? ये कैसे जो अच्छा दिखे। मैं ये ठीक है क्या? मैं एक एक पूछ रही हूँ क्योंकि मम्मी का क्या है ना सब एकदम परफेक्ट अच्छा होना चाहिए। इतनी कैसे? 2 किलो। खींच के लेके आई हो, बताया ही नहीं क्या ले रहे। क्या है ये? ये छन्नी चाय वाली। अरे बाप रे, मम्मी ने हमको 10 मिनट गाड़ी में बैठा के रखा, बोली कि तुम जाके ना गाड़ी में बैठ जाओ। देखो कितनी गर्मी हो रही है मम्मी। हो गया आपके मन की शांति? हो गई पूरी शॉपिंग? ये लेने गई थी। क्या ये? दही रखने के लिए। वाह क्या बात है मम्मी, इसमें ठंडा रहेगा ना दही। चलो फिर चले हम घर पे। आ गए हम लोग घर पर। चलो अभी ऊपर चलते और सबसे पहले जाके है ना ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, बहुत प्यास लगी है। देखो उत्तराखंड टूर पे जाने की है ना फुल ऑन तैयारियां चल रही है। रुको मैं आप सबको दिखाती हूँ। यार अगर हमारे घर में ना दादी नानी कोई भी बड़े हो ना, तो जब भी हम कहीं बड़े वाले टूर पे जाते हैं जहाँ पे आपको 15-20 दिन लगने वाले हैं, तो है ना घर से इतनी सारी तैयारियां करके देखते हैं। देखो आज ना नानी बना रही है ये चिवड़ा ताकि हम है ना टूर पे इसे खा सके। हाँ नानी बुकलर लेके खाता ना माणूस मग कुठं उतरा हॉटेल मध्ये जा। हाँ डायरेक्ट मग जेवण करायचं, नाश्ता करून ये खाऊन। तो नानी बता रही कि वो जो कैंड होती है ना पानी वाली, उसको है ना नानी वो जो पोते को क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन पोता जो होता है ना वो लगा के देने वाली है ताकि है ना उसमें पानी ठंडा रहे। देखा नानी कितना कर दिया हमारे लिए। वैसे नानी को लगता है कि है ना बाहर का होटल का जो खाना है ना वो इतना अच्छा नहीं होता है, तो जब भी हमको है ना स्नैकी वाली भूख लगे ना तो हम ये चिवड़ा खाए, बहुत टेस्टी बनाती है यार नानी। ये चिवड़ा है ना अभी पूरी तरह से बनानी है, इसको है ना तड़का लगाना बाकी है। तो नानी इधर है ना हरी मिर्च काट रही है, फिर इसको तड़का लगाएंगे। तो यार मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि यार बाहर से आने के बाद मैं ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, तो ऐसे ही बैठे 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 मैं सो गई। फिर मैं अभी उठी हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले, तो मैं ना अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। मुझे पता ही नहीं है कि आगे का प्लान क्या है। तो पापा अभी आने वाले हैं, तो पापा आ जाएंगे ना तब हम पापा से ही पूछ लेंगे कि अभी हमें शाम को क्या करना है क्या क्या करना है। एज यूजुअल यार मेरी हमेशा की कंफ्यूजन है कि मैं क्या पहनूं। इतने सारे कपड़े होने के बाद में भी मुझे बहुत कंफ्यूज होता है कि आज क्या पहनना चाहिए। देखो मम्मी भी एकदम अच्छे से रेड कलर की साड़ी पहन के रेडी हो गई है, इतनी ज्यादा सुंदर लगती है ना मम्मी मुझे जब भी साड़ी पहनती है। और सिंदूर तो देखो, वाह क्या बात है मम्मी, एकदम बंगाली टाइप लग रही है ना मम्मी। बता दो कमेंट में, सही लग रहे हो, मेकअप भी अच्छा किया है आज। पता नहीं यार पापा कब आएंगे, क्योंकि क्या हुआ ना अभी मैं ना मामा के लिए केक ऑर्डर कर रही थी तो है ना एक भी डिलीवरी अवेलेबल नहीं है आज। पता नहीं आज क्या है, और डिलीवरी जो अवेलेबल है उसको 1 घंटा लगने वाला है आने के लिए, तो 1 घंटा तो हम वेट नहीं कर सकते ना। अरे पापा आ गए आप, चलो चलो मेरे साथ बाहर। किधर? अभी वो केक ऑर्डर कर रही थी ना मैं, तो वो डिलीवरी नहीं है अवेलेबल एक भी, तो अपन केक लेके आ जाते हैं ना। पानी दो आपको। अभी आया मैं, अभी वापस जाना पड़ेगा। चल पहले जाके चल। पानी दो। अल्लाह पानी दे। पापा
ये लो पानी। देखो मम्मी अभी चूड़ियां पहन रही हूँ, उनके पास इतनी सारी चूड़ियां ना, दिखाओ मम्मी, खोलो खोलो। ये सब ज्वेलरी कलेक्शन, चूड़ियों का कलेक्शन रखा हुआ है यहाँ पे। वो चूड़ियां बेचना चालू करेंगे ना तो क्या बोलते हैं, अगले महीने का पूरा राशन आ जाएगा अपने घर में। पापा तो और भी कम है, मुझे लग रहा कि बहुत ज्यादा। हाँ और ज्यादा चाहिए, कम है वो। ए दीदी वो कैमरा बंद कर, कैमरा कर, नहीं तो सब बोलेंगे मैं ये लड़की के पास में मैं कैसे आया, मैं ना कोई दूसरी लड़की के पास नहीं आता, सिर्फ ये वाले लड़की के पास जाता। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मीट माय बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज योर नेम लड़की। जाने वाली थी पापा के साथ केक शॉप पे केक लाने के लिए, लेकिन है ना फिर मुझे याद आया कि मुझे है ना मामा का गिफ्ट भी रैप करना, उसको है ना मैं ही अपने हाथों से एकदम अच्छे से रैप करने वाली है। पहले मैंने मम्मा को बोला था कि आप ही गिफ्ट रैप कर देना, फिर मैंने सोचा कि मैं ही रैप कर देती हूँ, है ना मम्मा। तेरे हाथ से ही ठीक है चलेगा, और होप कि मामा को गिफ्ट पसंद आए। पसंद आएगा ना मम्मा? बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप भी गेस करो मामा के लिए मैंने क्या गिफ्ट लिया होगा, तो बताओ बताओ। शर्ट वो तो मामा की तरफ से था, वो मामा की तरफ से गिफ्ट था, लेकिन मेरी तरफ से मैं क्या गिफ्ट देने वाली हूँ आप जल्दी से कमेंट में बताना, ठीक है। और हाँ वो है ना एक ऐसा गिफ्ट है जो है ना मामा के हर रोज काम में आएगा, डेली यूज में काम आएगा, तो ऐसे ही गिफ्ट मैंने मामा के लिए लिया है, तो आप जल्दी जल्दी गेस करो। बस मैंने कृष्णा को भेजा है दुकान पे सेलो टेप लाने के लिए, फिर जैसे ही कृष्णा आ जाता है फिर मैं गिफ्ट रैप करूंगी। देखो मैंने ना इतना बड़ा बॉक्स लाया है, इसमें ना मैं मामा का गिफ्ट रैप करने वाली हूँ। देखो सबसे पहले मैंने नीचे है ना ये जो पन्निया है ना ये रख दी है कवर के लिए, और ये न्यूज़पेपर भी मैं लेके आई हूँ कवर के लिए। मम्मा आप ही मुझे गाइड करते रहना मुझे कैसे कैसे करना चाहिए। आप सबको देखना है मेरा गिफ्ट क्या है, ये देखो ये रहा मेरा गिफ्ट। वैसे है ना ये जो मेरा गिफ्ट है ना ये आप सबके लिए भी सस्पेंस होने वाला है, कोई गेस कर सकता है इसमें क्या है? देखो वजन भी बहुत है इसका, क्या हो सकता है, गेस करो फटाफट। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं ये व्हाइट वाला पेपर लेके आई हूँ, ये मैं ना ऐसे ही गिफ्ट पे रखूंगी और अपने कलर से इस पे हैप्पी बर्थडे मामा लिखूंगी, ये सही रहेगा। मामा भी गेस करेगा ना इसमें क्या हो सकता है, तब तक आप सब भी गेस करो इसमें क्या हो सकता है, बताओ बताओ। हाँ हाँ देखो ब्लू कलर है ना बॉयज का होता है, इसलिए मैं ब्लू कलर से ही लिख रही हूँ। इसमें एकदम बेस्ट कुकीज लेके आया हमें। वाओ ये तो चॉकलेट वाली कुकीज है ना। हाँ मैं बेकरी में जा रहे थे, तेरे फेवरेट कुकीज भी लेके आएंगे। हाँ हाँ फिर ऐसे कैसे आ सकते हो आप? देख बहुत टेस्टी है, और इसमें आइसक्रीम भी लाई है आपने पापा मेरे लिए। और आइसक्रीम का देख मैं कितना बड़ा लेके आया, वैनिला फ्लेवर में इतना बड़ा फैमिली पैक। चलो ठीक है, हो गए तुम रेडी हो गए? नहीं मेरा बाकी है रेडी होना। मैंने ना जानबूझ के ऐसा है ना अजीब सा गिफ्ट रैप किया है, क्योंकि फिर मामा को समझ में आ जाएगा कि है ना इसमें ना कपड़े वगैरह ही कुछ तो भी होगा, लेकिन इसमें कपड़े नहीं है, इसमें उससे ज्यादा बड़ा वाला गिफ्ट है। चलो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, और मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ, तो मुझे अपनी ये वाइट वाली जीन्स दिखी एंड ये पिंक कलर का टॉप दिखा, तो मैंने सोचा इसको स्टाइल किया जाए आज, मैं भी आई। सो अभी है ना मैं बस जल्दी जल्दी है ना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, ब्लश लगाऊंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी बस, क्योंकि यार मम्मी मेरे को ये चिल्ला रही कि देखो पहले रेडी होने को क्या हो गया था, लेकिन मैं बैठी थी एकदम आराम से।
बर्थडे बॉय नहीं आया कृष्णा, जा ले क्या मामा को बुला के जा जाओ। हाथ पकड़ के ले गया मामा का। चिकू तेरा क्या चल रहा है इधर? दीदी तू इधर है ना, बार बार कैमरा लेके क्यों आ रही इधर हमारे पास में? हम ना हमारा हमारा बिजी है ना। ये मामा का ना हैप्पी बर्थडे टू यू होने के बाद में मैं मेरी गर्लफ्रेंड को ये ना बलून गिफ्ट देने वाला है मैं ये इसे निकाल के। तो सबसे पहले टीका लगाने का मान है नानी का। मेरी नानी मीन्स मामा की मम्मी। इसके बाद मेरी मम्मी टीका करेगी मीन्स मामा की बहन। मेरे मामा का बर्थडे तो मैंने बोला जाने दो, अभी मैं गुस्सा छोड़ देता और मैं भी आ गया बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू करने के लिए मामा का। मेरा वो इकलौता मामा है ना, इसलिए मैं वापस आ गया बर्थडे में। हैप्पी बर्थडे साला। अभी बारी है मामा को उसका सरप्राइज गिफ्ट देने की, जो मैंने पैक करके रखा है। और मामा को यही लगेगा कि इस बॉक्स में कपड़े हैं, बट नहीं। बर्थडे सेलिब्रेट तो हो रहा है लेकिन मेरा गिफ्ट देना भी तो बाकी है। चलो फिर दे हम मामा को गिफ्ट, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो।
करूंगी जब ये खुलेगा ना। मैं भी करूंगी। सब लोग ऐसे ले लो। बहुत पसंद है। पापा आप क्या मंगा रहे हो? मैं अभी थोड़ा देखता ना मैं। आप अच्छे से मंगाना कोई ढंग का। काय है ये? पनीर चिल्ली है। ये असं काय त्याच्यामध्ये नुसते मिरच्यान कांदे दिसायला लागले याच्यामध्ये तर काहीच नाही दुसरं। ते खायचं का मिरच्यान कांदा? पनीर खतम हो गया उसमें का। नानी बोल रही है कि इसमें ना मिर्ची और कांदा ही है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पनीर कहाँ गया? बिल्कुल नहीं थे चम्मच। खोद के निकालो उसको। मिलेगा फिर खोद के निकालो। है कैसे आता का ये खाई चुका था? ये पन खाई चुका था। वाय ये मिर्ची ये शिमला मिर्ची है वाटते ही। हाँ ये पन खाई थी। तो कृष्णा और मैं जा रहे हैं ट्रैम्पोलिन में। मैं स्पेशली इसी के लिए यहाँ पे आई थी, ट्रैम्पोलिन में खेलने के लिए। वाह मैं भी गिरूंगी ना तेरे साथ। वाह वाह वाह।
जैसे कुछ। चल उठ चिकू, तू क्या देख रहा? कृष्णा चल अभी घर पे जा रही है, तो हो गया हमारा खाना। लेकिन ना मुझे स्लाइड से नीचे जाना है। आजा चल, मुझे स्लाइड से नीचे जाना है। मेरा मन ही नहीं मानता, मेरे को बहुत खेलने का मन करता है स्लाइड वगैरह। बहुत मजा आया, बहुत मजा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा।